चार दिनों तक भोपाल की ओर रहेगा रहमतों का रुख। फजीर की नमाज के साथ होगा इस्तेमा का आगाज। जुम्मे की नमाज में जुटेगी सैकड़ों जमातें, रोजाना होगी तकरीरें। पहले दिन होंगी 350 से ज्यादा निकाह। 52 ट्यूबवेल से सप्लाई होगा 20 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में पानी। क्लीन और ग्रीन के साथ ही डस्ट फ्री होगा आयोजन। पूरे आलम में अपनी एक खास पहचान बना चुके आलमी तबलीगी इज्तिमा का भोपाल की ईंटखेड़ी में शुक्रवार को फजीर की नमाज के साथ आगाज होने जा रहा है। शुक्रवार सुबह फजीर की नमाज के बाद 6 से 9 बजे तक मौलाना जमशेद साहब के बयान से इज्तिमा का आगाज होगा। चार दिन तक चलने वाले इस धार्मिक मजहबी समागम का समापन सोमवार को होने वाली दुआए खास के साथ होगा। इन चार दिनों में दिल्ली मरकज समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आए उलेमाओं की तकरीरें होंगी। इज्तिमा के दौरान सादगी के साथ सैकड़ों निकाबी होंगे। इस समागम के समापन पर बड़ी तादाद में जमातें देश दुनिया के सफर पर रवाना होंगी। उससे पहले ईंटखेड़ी स्थित इज्तिमा पर तैयारियों का दौर लंबे समय से चल रहा था। स्थानीय वॉलंटियर और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने अपने प्रयास से इज्तिमागाह को तैयार किया है। आयोजन स्थल पर गुरुवार से ही लोगों के साथ देश और दुनिया की जमातों पर पहुंचना सिलसिला जारी है। यहां करीब 125 पंडाल में 5 लाख से ज्यादा जमातियों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। जरूरत के लिहाज से यहां और पंडाल लगाए जाने की पूर्व तैयारी भी रखी गई है। भोपाल का ये धार्मिक समागम क्लीन और ग्रीन के साथ ही डस्ट फ्री रहेगा। इसमें 80 फूड जोन और 60 पार्किंग बनाई गई है। उधर इज्तिमा को लेकर भोपाल जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आपको बता दें कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल इज्तिमा इंतजामों में ईंटखेड़ी क्षेत्र के स्थानीय लोगों का बड़ा योगदान रहता है। इनमें बड़ी तादाद में हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी शामिल हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ी हूँ भोपाल के 6 नंबर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर तबलीगी इज्तिमे में वॉलंटियर्स द्वारा मुफ्त सुविधाएं अलॉट की जा रही हैं। आज कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार काम किया जा रहा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम है। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार काम किया जा रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। हमारे पुलिस वाले भी बहुत सारे स्टाफ के लोग बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। वैसे तो यहाँ कोई बात होती नहीं है, अगर होती है तो हम उन लोग उनसे शिकायत करते हैं, वो लोग जाकर उस समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ आराम से ट्रैफिक जाता भी है, आता भी है। अभी 11 तारीख को बहुत ज्यादा पब्लिक आएगी तो उसको सबको कंट्रोल हम लोग करके रखते हैं। कितने वॉलंटियर्स आपके साथ? अभी हमारे साथ दिन में 10 हैं, रात में 10 हैं। नहीं, 10 ही जो रहते हैं उनके सबके कार्ड बना दिए गए हैं, जो हमारे कस्टडी में रहते हैं। 10 लोग रात में, 10 लोग दिन में, उनके बाद अपने अपने आइडेंटिटी प्रूफ हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं बस सुबह और